नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक नई पहल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका उद्देश्य है एमसीक्यूज के माध्यम से हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करना, ताकि आगे आने वाले यूपीएससी प्री के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए ये सवाल उपयोगी साबित हो। यह पहला वीडियो है और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के साथ, और ये पहला प्रश्न है। देखें प्रश्न क्या है कि उत्तर औरंगजेब कालीन, मतलब औरंगजेब के बाद, तो उत्तर औरंगजेब कालीन मुगल राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखें स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि फर्रुख सियर को राजगद्दी जुल्फिकार खान और इमाद उल मुल्क के कारण मिली थी। दूसरा स्टेटमेंट देखें क्या है कि औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत या बाद में मुगल साम्राज्य को उसके तीन जीवित पुत्रों में बांटा जाना था। और तीसरा स्टेटमेंट देखें क्या है कि मोहम्मद शाह को दक्कन के निजाम उल मुल्क ने सहायता दी थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है, तो हमारे समक्ष विकल्प है या ऑप्शन है। देखिए क्या कि ऑप्शन ए कि केवल पहला और दूसरा कथन सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। ऑप्शन सी केवल तीसरा कथन सत्य है। और ऑप्शन डी पहला दूसरा तथा तीसरा, मतलब तीनों कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है कि ऑप्शन बी, मतलब दूसरा और तीसरा, यही दोनों कथन केवल सत्य है। चलिए अब हम देखते हैं इसे विस्तार के साथ। और विस्तार के साथ यहां पर जो व्याख्या वह यह है कि फर्रुख सियर को जो राजगद्दी प्राप्त हुई थी, वह प्राप्त हुई थी किसके कारण, सैयद बंधुओं के कारण। और सैयद बंधु में कौन कौन थे, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, मतलब इन्हीं दोनों ने सहायता की थी फर्रुख सियर की। और इन दोनों की सहायता के कारण ही फर्रुख सियर को 1713 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त हुई थी। तब फर्रुख सियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया और हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया। आगे देखें कि जो जुल्फिकार खान है, तो जुल्फिकार खान की सहायता से जहांदार शाह शासक बना था, और इसी की हत्या जो बाद में कर दी गई थी, किसने, फर्रुख सियर ने इसकी हत्या की, मतलब जहांदार शाह की हत्या की। फिर आगे कि औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पहले अपने जीवित पुत्रों में साम्राज्य को विभाजित करने के लिए वसीयत को लिखा था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात हुआ ये कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, मतलब ये कि उत्तराधिकार के युद्ध को टाला नहीं जा सका, इसके बावजूद भी कि औरंगजेब ने पहले ही वसीयत को लिखा था। और हुआ यूं था कि औरंगजेब के तीन पुत्र आपस में लड़े थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर आगे कि मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, निजाम उल मुल्क ने की थी। तो चलिए ये हमने देखा पहले प्रश्न को विस्तार पूर्वक। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहां पर देखें क्या है कि बहादुर शाह प्रथम ने निम्न कौन सा कार्य नहीं किया है, जरा इस पे देखें, गौर करें। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए की जजिया की समाप्ति, ऑप्शन बी साहू की रिहाई, ऑप्शन सी राजदरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत, और ऑप्शन डी सती प्रथा समर्थन। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मतलब जजिया की समाप्ति। चलिए देखते हैं इसे भी विस्तार के साथ। तो बहादुर शाह प्रथम ये कब शासक बना, औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह शासक बना, और उसके समय में ही साहू की रिहाई हुई थी। साहू कहां से संबंधित है, साहू संबंधित है मराठा से, और उसने राज दरबार, मतलब किसने, बहादुर शाह प्रथम ने राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की थी, और उसने सती प्रथा का समर्थन किया था, किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। परंतु बहादुर शाह प्रथम ने जजिया को समाप्त नहीं किया। तो फिर जजिया समाप्त किया हुआ, देखें कि औरंगजेब के बाद जजिया को समाप्त सर्वप्रथम जहांदार शाह ने किया, जबकि इसे अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, यह जाता है मोहम्मद शाह रंगीला को। अब यहां पर यह कि क्या बहादुर शाह ने जजिया को सौंप, देखिए जजिया को समाप्त करने की जो एक ऑर्डर है, आदेश है, उसको जरूर उसने पास किया था बहादुर शाह ने, लेकिन जजिया बहादुर शाह प्रथम के समय में समाप्त नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं अपने अगले सवाल को। सवाल यहां पर है कि निम्न मुगल बादशाहों का सही कालक्रम है। तो देखें बादशाह यहां पर है अहमद शाह, दूसरा शाह आलम, तीसरा आलमगीर द्वितीय और चौथा अकबर द्वितीय। तो अब यहां पर यह है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपकी स्क्रीन पर है। आप कुछ क्षण रुककर जरा उसे देख लें कि इसका सही क्रम क्या है। मैं आगे बढ़ता हूं, देखें इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सी। मतलब कि अगर इसके कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन, सबसे पहले आते हैं अहमद शाह। और अहमद शाह का कार्यकाल क्या है, 1748 से 54, मतलब इनका शासन काल है 1748 से 54। उसके बाद आलमगीर द्वितीय का क्या है शासनकाल, 1754 से 59। फिर दूसरा देखें शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल क्या है, 1759 से 1806। और फिर अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से 37। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर यह है, जरा गौर से सुनिएगा इसको, कि मुगल साम्राज्य की वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान किस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए मनसबदारी, ऑप्शन बी इजारेदारी, ऑप्शन सी रैयतबाड़ी और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है इजारेदारी। मतलब वो जो व्यवस्था थी जिसको प्रारंभ किया था जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की वित्त व्यवस्था को सुधारने के लिए, वह थी इजारेदारी। देखें इसे विस्तार के साथ, तो विस्तार के साथ यहां पर यह है कि इजारा प्रणाली के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, इजारा प्रणाली के अंतर्गत राज्य किसानों से एक निर्धारित दर पर, जो निर्धारित दर है, पर भू राजस्व वसूल करने के स्थान पर। मतलब यहां पर यह है कि जो पहले क्या होता था, पहले यहां पर यह होता था कि एक निर्धारित दर होती थी भू राजस्व की, लैंड रेवेन्यू की, जो साम्राज्य वसूलता था, मुगल साम्राज्य वसूलता था अपने क्षेत्र में रहने वाले किसानों से। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है कि इजारा प्रणाली के अंतर्गत राज्य बिचौलिए के माध्यम से ठेके पर भू राजस्व वसूलता था। तो इसका मतलब यहां पर है कि इजारा जो प्रणाली है वह ठेके पर भू राजस्व वसूलने से संबंधित है। तो यहां पर बात यह है कि ठेकेदार जो है वह बोली लगाते थे कि वह किसी खास क्षेत्र से कितना राजस्व मुगल साम्राज्य को दे देंगे, और यह जो ठेकेदार है बोली लगाने के बाद जब वह इस क्षेत्र को प्राप्त करता था तो इन ठेकेदारों को इस बात की छूट दे दी जाती थी कि वे किसानों से जितना चाहे वसूल कर लें। चलिए आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। अब जरा यहां पर देखें कि सुमेलित करना है, और सुमेलित है कि एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, और ये ए 1748 ईस्वी, 1719 ईस्वी, बी 1724 ईस्वी, 1747 ईस्वी, और यहां पर है कि पहले पे नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, दूसरा स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना, तीसरा मोहम्मद शाह का राज्यारोहण और चौथा अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। फिर आप एक बार रुके कुछ देर, सूची ए और सूची दो में फिर आप मिलान करें, फिर जब आप मिलान करने के बाद फिर जो कूट दिया गया है वह ए बी सी और डी, मतलब यह जो विकल्प है, इस विकल्प के साथ फिर आप अपने जो जवाब आपने तैयार किया है उसके साथ मिलान करें और फिर देखें कि इसका सही जवाब क्या है। तो आप ये काम कर रहे होंगे, आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ए। तो अब इसे देखते हैं विस्तार के साथ। देखिए क्या है ये कि नादिर शाह की हत्या के बाद अब्दाली कंधार का शासक बना और कुछ समय के पश्चात उसने काबुल को जीत लिया तथा अफगान राज्य की नींव डाली। तो इसका मतलब यह है कि यह घटना कब हुई, तो देखें यहां पर क्या है कि 1748 और चौथे में क्या, अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। इसका मतलब है कि यह जो कि अहमद शाह अब्दाली जो शासक बना वह कब बना, 1748 में। आगे देखें मोहम्मद शाह, अब इसका यह कि इसका नाम दूसरा क्या था, रोशन अख्तर, ये बचपन का नाम था इसका। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं की सहायता से 1719 में गद्दी पर बैठा। फिर आगे देखें कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही चिनकलीस खान, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था क्या, निजामुल मुल्क, तो यहां पर नाम क्या, चिनकलीस खान ने, मतलब चिनकलीस खान निजामुल मुल्क दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चिनकलीस खान निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वहीं आगे देखें कि नादिर शाह, इसे क्या कहा जाता था, ईरान का नेपोलियन, तो यह फारस का शासक था और इसने 1739 ईस्वी में 1739 में
मोहम्मद शाह के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार हमने कुल 5 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखा। यह आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.